नमस्कार दोस्तों, आपका KTH राजस्थान में स्वागत है। ये है गांव परेवड़ा और तहसील बिदासर का पंचायत समिति जो है वो भी ग्राम पंचायत परेवड़ा है और पंचायत समिति बिदासर है और विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ है। सुजानगढ़ में आपको पता है उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो भी जोरों पर है। हर पार्टी, चाहे वो BJP है या कांग्रेस है या अन्य जो तीसरी पार्टी है, सभी पार्टी के प्रमुख नेतागण, मंत्रीगण लगातार विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हॉट सीट यह सीट है। राजस्थान में 3 जगह चुनाव है और सुजानगढ़ जो है वो हॉट सीट है। यहाँ पर पारेवड़ा गांव में थोड़ी सी हम बातचीत करके और यहाँ की जनता की नब्ज को टटोलने की थोड़ी सी हम कोशिश करते चलते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? हनुमान नाम हमारा। हनुमान जी, पारेवड़ा के हैं क्या? हाँ, उडवाड़ो सर। उडवाड़ो? हाँ जी। अच्छा, उडवाड़ा जो पीछे थोड़ा सा रह गया, बस पंचायत उडवाड़ा भी जो है वो पंचायत समिति बिदास रह गया। हाँ जी। अच्छा, तो ये आपके वहाँ पर जैसे उडवाड़ा के यदि हम बात कर लें तो क्या माहौल है वहाँ का चुनाव को लेकर के? जैसे क्या मतलब कौन सी पार्टी क्या टक्कर है या टक्कर तो सबसे ज़्यादा मान लो के ठापड़ा बार की पड़क होने हो सब। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि थाने थे वोट किन देशों, मैं आप पूछ रहा हूँ कि ऑल ओवर जी यहाँ माहौल यहाँ ज़्यादा बार माहौल है। एक तो आपने वो बोतल आना को कांग्रेस को मतलब टक्कर को माहौल है उडवाड़ा की बात। हाँ बिल्कुल सर। तो RLP तो ये बार जी पहली बार ही कैंडिडेट उठा आपने दिए। आज के लोग ज्यादा है, उन्होंने तो ज्यादा साला है। बट था के माले उडवाड़ा के मायने नेता किसा किसा आ गया? नेता मो तो दिन खेत में उठा कौन कर अठे हूं पारोड़े पर अगर काम कम जाऊं तो नेता कर आओ सुना डेली आवे। नेता डेली आवे नेता नेता सगड़ा आवे बताओ। हां बिल्कुल आवे सा। और बातचीत करा, आपको शुभ नाम के सर? ज्ञानाराम। ज्ञानाराम जी, गांव कौन सा आप? ओ ये परेवड़ा। परेवड़ा गांव है। तो परेवड़ा तो ग्राम पंचायत तो आई की आप? हाँ, गांव गांव की है। अच्छा, परेवड़ा की है। हाँ। तो अठे की थोड़ी सी बातचीत करा कि गांव का थोड़ा सा पहले तो मुद्दा पर भी बात कर लें थे अठे का ही हो तो अठे ईशा कोई मुद्दा है जगह मान लो जनता अठे चाहती हुए कि यहाँ ध्यान दियो जावे वो दे? भाई मार तो मुद्दा तो काम तो चले ही है। काम लगभग सगड़ा हो रहा है। विशेष कोई मारे मुद्दों ऑब्जेक्शन कोई है की कौन है बात? तो अठे मान लो एक अबार जी को चुनाव को माहौल है, एक मायने BJP कांग्रेस है कि या कोई तीसरी पार्टी के अठे को माहौल के है? अठे जका बुजुर्ग बाद हो गए जका तो दुनिया पार्टिया बड़ोड़ी पार्टिया का नहीं है। बीच में बोतल और नाचे छोटकी पीढ़िया बोतल ही बोतल बोल रहा है। जवान है जगह? जवान है जगह बोतल ही बोल रहा है। RLP है। हाँ। तो अट अट गांव में नेता कौन सा आ गया? नेता तो ये राज भवन सिंह भाटी आया और आया लारे दो चार मनोज जी आया भाई जो कांग्रेस वाला आया बेणी वाली आया मीडिया लाया। हाँ आया सही आ। तो अरे मतलब थांगे साहब कांग्रेस RLP में टक्कर होनी है भाई? मैं वही बात RLP फिर उसके कौन सा काई था आप छोट की पीढ़ी तो ज्यादा दुखी है। बिल्कुल वो नहीं भैया, एक पहली बार आई है। पहली बार आई है वोट खींच पावे घणो वोट कौन खींचे? घणो वोट कौन टक्कर BJP कांग्रेस ही ले रहे पार्टी रहे पार्टी रे वोट मिला है युवा पीढ़ी है आज अब मानने कौन जके देसी। बिल्कुल बिल्कुल आई सच्चाई और एक थोड़ी सी नब्ज नहीं देखने की कोशिश करें। आपको क्या नाम है? लालू नाथ जी। परेवड़ा गए हो? परेवड़ा गए। तो आपके हिसाब में थोड़ी सी के हिसाब से लाग रही है माहौल चुनाव? मान तो भाई कांग्रेस को लागे। कांग्रेस? हाँ। कांग्रेस ऊपर रही? हाँ ऊपर रही। आपने परेवड़ा क्षेत्र में? परेवड़ा में ऊपर लागे 50 के था। हाँ आते रही यार वो नहीं रही। अच्छा, जी हाँ कांग्रेस हूँ था के हिसाब हूँ तो टक्कर में कौन सी रही? टक्कर में BJP रही, दूसरी कौन रही? BJP कांग्रेस की है। हमारे भी बहुत दो तो लड़े 300 वोट जो लेंगे वही सब कोई कोई मुतबल कौन है पार्टी दो ही ठीक बात है। अच्छा अच्छा, अरे आपको शुभ नाम? वही है गांव नाम बताया खंगाराम। खंगाराम जी, तो के माहौल देख रहे हो आपकी बार चुनाव को? माहौल वही है वो हमारे तो अंदोर ही चल रहा है वोट ज्यादा कर BJP कांग्रेस री कांग्रेस है वो बदू रोड तो यही है जो कोई ट्रेन ने दे सी टबर भी मुखी 150 वोट किंगे तोड़ लिए बात अच्छी है 8 शॉट पड़ गए और बटनू की कोनी BJP कांग्रेस दो ही है वो थोड़ा और भी देखो लोग बात करा दिखानी। आपको नाम ले रहा हूँ?
हाँ ले लिया, सबको ले लिया। अच्छा चलो ठीक ठीक है। देखो ट्रैक्टर पर सवार हो गए ग्रामवासी, एक बढ़िया नज़ारो है। थोड़ा सा पहले हूँ बात कर लिया। राम राम सा। कौन सा गांव का हो? गांव पारे उड़े है। पारे उड़ा का हो तो ये कोई ट्रैक्टर लेके कोई काम जा रहे हो? काम ब्लॉक लगाओ, ब्लॉक ले जावा। अच्छा ब्लॉक लगा रहे हो। शुभ नाम का है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी तो थे, युवा भी हो तो के माहौल देख रहे हो अब की बार? जो चुनाव सुजानगढ़ में चुनाव है, उपचुनाव आ रखे है, क्योंकि मैंने मतलब किया का ही रहे हो? इमरे मनोज जी थी था कांग्रेस, मतलब हाँ कांग्रेस हो गया तो मनोज। हाँ हाँ मनोज जी थी। अच्छा और भी मायने जी हमारे कांग्रेस हूँ, टक्कर की रही सीट है? अट टक्कर लगभग रही है महाराम जी। बीजेपी? हाँ बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है। तो युवा अब की बार वो आर एल पी वालों वो कितो गए बान की कौन बेटा? 400-300-400 पड़ी मशा। हाँ की कौन बेटा बान? तो मतलब यहाँ माहौल तो रोलो तो कैसा है? रोलो ये हुई हम कहीं ये पीड़ा रोलो रात में गलियां गणे करे बान की बा बीजी की बात है बाबी बानो की बेटा तान बेटा है। आपको कहीं नाम है? मेरा नाम जगदीश है। जगदीश जी थे परवड़ा गए होगे तो के लागे था ने ठीक ही लगे मानो भारत घने जोर रहे अब भारत घने जोर रहे काम करान मौज करान काम करो मौज करो एर बोट बोट भाई आपन कोटी बात कर पहले बोट कांग्रेस ने दिया सा कांग्रेस ही। हां बिल्कुल देखो अठे कांग्रेस बीजेपी की टक्कर बता रहा है और युवा है जगह और बात कर सियां थोड़ी सी थोड़ा उना जो जगह ट्रैक्टर में जानी है जगह से ले जाओ और बाकी उना जाओ अब हम बात करा। राम राम सा। काय नाम आपको? हीरनाथ। हीरनाथ जी परेवड़ा का होगी? हां परेवड़ा रे ठाकरे साहब के लाग रहे माहौल? माहौल बढ़िया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है गांव और पिछले 2-3 पीरियडा हूँ के मराम जी हारिया या जीत्या बीजेपी राय वोट है ग्राम पंचायत आगे रिया और लोकसभा चुनाव में तो राहुल कसवाट हूँ 800 वोट प्लस रिया 2/3 से भी ज़्यादा वोट मिल रहा है पारिवड़े ग्राम पंचायत। तो एक बात पूछूं कि जी अठे गांव के मायने गांव का मुद्दा या अपने राजस्थान का मुद्दा या केंद्र का जो सरकार है और बैंक का सब काम है और बैंक को बेटी इफेक्ट पड़ रही है कोई है? हाँ थोड़ो बहुत है बाकी गांव में जड़ता ही पड़ता ही तो गांव रहा निजी आपरा मुद्दा हुआ है और निजी मुद्दा हम देखे तो सबसे ज़्यादा अगर गाँव रो पारिवड़े गाँव रो विकास में अगर कोई सहयोग रेड तो भारतीय जनता पार्टी को रीट हुआ है। वसुंधरा जी की सरकार में काम हुए है पिछली जो वसुंधरा की सरकार ही खेमाराम जी मंत्री या खनिज मंत्री बी टी एम भी काम कर रहे और विधायक बी टी एम जगह सांडू पारिवड़े की सड़क की मेरी 15 सालों में बहुत बड़ी मांग ही बा सड़क है जगह बीजेपी राज में खेमाराम जी राज में कराई रही है तो पारिवड़े गाँव भी चीज़ ने कदी भूल कौन सके बहुत बड़ी बा मतलब 15 साल की मांग ही बा मांग है जगह खेमाराम जी पूर्ति कर रही है तो भी बीजेपी ने एक नंबर रखोगा? हाँ बीजेपी उम्मीद है कि भाई काम के अगर विकास के सिस्टम उचाली तो बीजेपी आज दिन एक नंबर पर है बाकी तो वोटर टक्कर में कांग्रेस ही रही। कांग्रेस यानी मतलब आरएलपी तीसरे नंबर पर है? हाँ आरएलपी रो तो घणो कोई वजूद कोनी है एक दो पर चले करे बाकी खास तौर पर आरएलपी रो घणो कोई असर कोनी आरएलपी जिता वोट है बेता लगभग हनुमान जी की डीचे लार लारी चाले बे बिताई मैं वोट बताई मान रे चला नहीं भीड़ तो गांव में अब दे अटे हो कैमरो ले रहे हो अब हरेटी घणी होची भी भीड़ की कोन करना भीड़ पारेवड़ो गांव एक एकजुट गांव है एक थाली में भोजन करने वाला गांव है तो किसी भी पार्टी रो कोई भी नहीं तो भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने वाला गांव है तो भी आ कोनी के कांग्रेस को नहीं तो भीड़ को नहीं हो बीजेपी रो आवे कौन सी भी पार्टी को आवे जेकर सारा गाँव रहा मिलजुल कर भी अभिनंदन स्वागत करे बात सगड़ा की सुने बिल्कुल बिल्कुल गांव का आदमी सगड़ा की बात सुने और वोट आपकी मर्जी दे हुए बिल्कुल थोड़ा परिवड़ा का ही हो गया अब। राम राम सा। कहना हो राम राम सा? राम राम सा माना राम जी। माना राम जी तो थे युवा हो मन लागे वोट कतक कतक सालों दे रहे हो वोट? बहुत 3 साल गया। 3 साल दे रहे हो तो खेल अब की बार के माहौल लाग रहे हो के माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है बढ़िया माहौल है युवा का नहीं झुकाव ज्यादा लाग रहे हो युवाओं को कांग्रेस का नहीं है ज्यादा मार तो कांग्रेस को झुकाव है मनोज जी की जीत लगभग संभव है मतलब मास्टर जी सहानुभूति या मनोज जी को कोई कारण दूसरा मास्टर जी के पीछे मतलब जी हाँ पारंपरिक वोट मास्टर जी के पीछे ही सब कुछ है मनोज जी की जीत मास्टर जी के पीछे ही है। और भी देखा थोड़ी सी बातचीत करें काय नाम आपको? परमेश। अरे पारेवड़ा का होगी? हाँ पारेवड़ा। तो चुनाव को क्या माहौल लाग रहे थाने? मान तो बीजेपी रो लाग रही बीजेपी को बीजेपी कांग्रेस टक्करेगी क्या आरएलपी टक्करे? नहीं बीजेपी बीजेपी कांग्रेस की हाँ बीजेपी में कांग्रेस की टक्कर है अलग अलग देखो अलग अलग लोग आ गए है देखो बाइक सवार है युवा है युवाओं बात करनी बहुत जरूरी है क्यों आज को समय देखो युवाओं को भी बत्तो ही है तो आपको शुभ नाम का है? राजू राम सारण। राजू राम सारण पारेवड़ा का होगी? पारेवड़ा। तो
अब की बार चुनाव के मायने के लाग रहे है माहौल के रहे हो? चुनाव में ये लाग रही है कांग्रेस और आरएलपी टक्कर रही। आरएलपी की टक्कर रही? हाँ। बूढ़िया तो क्या आरएलपी को कोई मतलब युवा टिंगर है सब आरएलपी ने वोट दी। अच्छा। यार बूढ़िया जगह कांग्रेस ने। अच्छा। कांग्रेस आता दिन तो बीजेपी आगे रही, अब की बार कांग्रेस और आरएलपी। जाए तो कहूँगा युवाओं बात करनी बहुत जरूरी है, युवाओं को कायम ने जनता किन वोट करे, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी बात से खड़ा हूँ। राम राम। रुको रुको, नाम जसराज दादी से। जसराज जी तो के पंडित जी के माहौल है? तीन तेग से लगे बन केंद्र में मोदी ने ते क्या केंद्र को तो थे मोदी ने देबो क्रिया। अब बार केंद्र को चुनाव को नहीं, अब बार आपने चुनाव है विधानसभा को, सुजानगढ़ उपचुनाव है बिग मायने आपने चौको ला की जगह दे दिया, कोई दिक्कत को तीन बराबर ही लेता लगे। अब मन तो तीन घोड़ा बराबर है। त्रिकोणीय मुकाबला है। संतोष भी 40,000 जीत उनती बार। अच्छा। संतोष ने पसंद ज्यादा करे। संतोष ने बीजेपी टिकट देती है ना या कांग्रेस टिकट देती है? बीजेपी टिकट दिया हूँ बीरो वाह जानती है। हाँ अब यहाँ बराबर पार्टी में यहाँ थारे मन विचार कम ही लगा है। पार्टी दे रही है टक्कर कांग्रेस बीजेपी री हमारे हिसाब में तो बस जनता है। देखो बिल्कुल बिल्कुल गांव की सलाह देखा आप तो, और बाकी देखो वोट जनता किन देवे वो तो जनता को मुद्दो है। देखो है राम राम साहब, का नाम है आपको? नौरतन शर्मा। नौरतन जी परेवड़ा का होगी? परेवड़ा। तो थोड़ी सी आप देखने गांव को माहौल बताओ के रही है, के रही है बार? माहौल बढ़िया है, मतलब चुनाव ने लेर मतलब झुकाव की तरफ ज्यादा है? ज्यादा झुकाव तो मनोज की तरफ ही जा रही है, बार कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस की तरफ जा रही है। मुद्दा की है चुनाव ने लेकर के जनता की डिमांड्स भी हुए? देखो डिमांड क्या रही है, विशेष कोई डिमांड भी को नहीं, शांतिपूर्वक की है, कोई विशेष को नहीं, कोई सड़क पानी बिजली लेर कोई इसी बात को नहीं, कोई है? देखो नहीं है तो शुरू समस्या तो है, एक सड़क रही तो है, एक समस्या पानी की है समस्या, नवनीकरण हो रही है सड़क का, काम चल रही है, यानी कि भाई इतनी बड़ी कोई मुद्दा को नहीं। और कांग्रेस था के हिसाब से लगभग माहौल परेवड़ा क्षेत्र के मायने ज्यादा हो रही है, और तो दूसरे नंबर पर यहाँ टक्कर की रहनी हो कांग्रेस? टक्कर तो कांग्रेस री थारे बीजेपी री रहनी है टक्कर जा, बीजेपी कांग्रेस की रहनी। आपको का नाम है? मान को ना मान के टक्की रो आरएलपी यार काई मान था मेरे यहां खोड़ में अरे कमान ने पूछ है बढ़िया मैं तुम वोट मारी इंच हुई जे दे दिया। अच्छा मैं तो माहौल पूछू मां कौन पूछू थे वोट के दे माहौल बढ़िया है बार माहौल नहीं बढ़िया ही है बढ़िया रेणो छे तीन यार एक ही समान माना मैं तो तीनों एक समान माना तीनों को बराबर टक्कर है बराबर टक्कर बोतल लाले सरपंच है वो काय नाम आपको? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी तो थोड़ा सा ओम प्रकाश जी माहौल बताओ थे घनी थे भी थाल ली शब्दांग में इनके माहौल ने दुनिया परिवर्तन चाहिए परिवर्तन क्यों चाहिए? विकास को नहीं उड़ी काम नहीं हो रहा सुजानगढ़ में पुड़ मनी डोगे उन्हों सुजानगढ़ डो आंतों एरियो जो कि मरीज लेर जा फटक लावे जा वो काई समझ ये नहीं पुड़ अब ये तो कने दोई कोनी होई बस बहुत पास हुई है थोड़ा ही तो भी मतलब जहाँ मान लो बार घोषणा हुई है बने लो ही थाने का लगे घोषणा ही हुई छोटी घोषणा है काम नहीं हुए काम कौन हुआ काम हुए जानी जी था कहने को मतलब जानी ठा पड़ी तो थे अब बार जो मान लो चुनाव ने लेकर के मतलब परिवर्तन था को कुन परिवर्तन करू मकान बोतल रहे बोतल आरएलपी की तरफ परिवर्तन करू तो कांग्रेस बीजेपी भी तो एक पार्टी हो रही है किसी बीजेपी तो दोनों मिली भगत है गहलोत सरकार रोशन रही बचाई है बार दूजो गुण बचो नहीं जन गहलोत सरकार कौन जानती दुनिया मिली भगत खेल है पांच साल तुम खार पांच साल मैं खाऊ परिवर्तन परेवड़ा लोग आरएलपी ले आओगे आगे विचारो ये परेवड़ा में तो एक नंबर या दो नंबर रही आरएलपी दो नंबर दो नंबर कर मान लियो ओ है ना ओ अब तो मजबूत आदमी है 300 वोट ले ले ये बोतल लगा रहा है परेड गांव में एक लो ये पूरा मतलब परेड गांव में 300 वोट ले ले मजबूत कार्यकर्ता है हां मजबूत है 300 वोट ले ले बिल्कुल नहीं बना रहा है हां सरपंच मान लियो बोतल लगा गो मतलब इन्हीं है हां पहली पहली फिर वोट कौन दे किसान ना अभी 19 रुपया कटे लागे सब्सिडी बढ़ी है लार 1200 रुपया लागता डीपी रे जन दूध है 15 रुपया किलो कर दियो बीजेपी का तो नाम छोड़ दियो तो अच्छा बीजेपी तो खत्म हो गई तो एक बात पूछूं थाने कि जी अब की बार चुनाव ने लेकर के जी
अठेगा अपने गांव का मुद्दा हट जाता है या केंद्र वाला मुद्दा भी जहां किसान आंदोलन है और है गांव का कोई कोई है जी ऊपर मरे कोई यहीं से वो बकरी कोई मन तो केंद्र वाला नहीं वो जो किसान ने तो मूल्य चुरो लगा रखे भाई मोदी आज दिन 34 रुपया डीजल हो आज डीजल 84 रुपये है गैस सिलेंडर 400 रुपये लागता आज 900 रुपये लग गए हर चीज़ निजीकरण हुआ है जन सरकार के मनो हर चीज़ निजीकरण हुआ है जन सरकार के मनो एक काल एक मीटिंग के मायने बीजेपी का नेता बोल रहा कि राजस्थान के मायने ही जहाँ सब ज़्यादा महंगी है बिजली भी पेट्रोल भी महंगा है महंगा है अबार तो सरकार तो गहलोत्री है केंद्र दोनों खवा दादा दो केंद्र सरकार आने के बाद में पहली बाजरी 1100 रुपया कुंटल बिकती किसान री 2200 रुपया में किसान री बाजरी बिक रही है आज रे दिन किसान रो भाव नहीं जो हर चीज रो डबल हो रही है किसान रो फायदो है किसान रो हर चीज रो फायदो है ध्यान पड़े को नहीं अपने चीज सस्ती मिलो आप आपकी बात है और ते तो मन लगा वोटर को नहीं था उनकी बात करूँ बिल्कुल और सर राम राम सा का नाम है ताको नाम ओम प्रकाश है परेवड़ा गई तो के माहौल लाग रहे थाने चुनाव को माहौल बढ़िया ही है किन का नहीं ज्यादा मतलब रोड़ो किन का ज्यादा है माहौल आरएलपी का नहीं आरएलपी का ज्यादा है आरएलपी ने एक नंबर राख छोगी विचार तो एक रोई है एक रोई है हां तो पछे आरएलपी की थांगे साहब में टक्कर की है कांग्रेस में बीजेपी उरे सीट कांग्रेस और आरएलपी कांग्रेस आरएलपी की टक्कर है बीजेपी तीसरे नंबर पर बिल्कुल देखो आपकी बात है और आप जनता का नब्ज नहीं अपन टपटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अठ पारेवड़ा गांव के मायने की हालचाल है और आई इस चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं बाकी जनता को आपको अधिकार है जनता किसे वोट करती है ये आपका अधिकार है हमारा कहना है कि आप वोट ज़रूर करें और अपने चहेते उम्मीदवार को ज़रूर जिताएँ ताकि आपके क्षेत्र का आपके गाँव का आपकी विधानसभा का अनवरत विकास की गंगा बहती रहे विकास होता रहे अपने चहेते उम्मीदवार को वोट करें वोट देने ज़रूर जाएँ और बाकी जो क्या राज है कोई अलग अलग अपने लोगों की अलग अलग राय है अलग अलग माहौल अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने नज़रिए से बताते हैं लेकिन जो भी है वो 17 अप्रैल को फाइनल हो जाएगा कि वोट कौन किसे देता है और 2 मई को सारे राज खुल जाएंगे मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।